फील करते हैं कि ऐसी बातें जो इन ऐसे वाक़यात को जन्म देती हैं उन्हें सिरे से ख़त्म करना चाहिए। और सबसे पहले पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जैसे पहले कहा जाता है, मस्जिद इबादत दुआ के लिए रहे और लाउड स्पीकर लोगों को इबादत के लिए बुलाने के लिए, अजान के लिए वो बुलाए। लेकिन इस किस्म के ऐलान जो लोगों को जमा कर लें, उनके जज्बात को उबारें, मजहबी जोश दिला कर अटैक करवा रहे, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। बेशक की किस्में वो शामिल है, शामिल किया जी। एक इतला के मुताबिक 150 जख्मी हैं, जिनमें से 75 शदीद जख्मी हैं। देखिए, कोई भी बादशाह और शख्स जो है ना, या कोई भी मसीह हम कहें, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि किसी की मजहबी किताब को, जिसे हम इल्हामी किताब कहते हैं, उसको इस तरह की बेहुर्मती करे, कोई भी नहीं। और फिर हमारी तारीख में जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 1000 केसेस बने, उसमें से कितने साबित कर पाएंगे कि वाकई ऐसा हुआ है कि किसी ने कुरान की बेहुर्मती की? कोई भी मैं अभी तक साबित नहीं कर पाए कि एक भी कोई किसी मसीह ने इस तरह की कोई हरकत की हो। कोई भी बादशाह और शख्स और एक ईमान खुदा पर, अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाला कोई भी शख्स ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करेगा। और फिर ऐसा सलूक मसीहों के साथ तारीख में हुआ है, तो कौन जुरत भी करेगा, कौन जुरत करेगा ऐसा जी। काफी देर से हम लोग फाइट कर रहे हैं कि इसका जायज इस्तेमाल करें, लेकिन कहां पर उनको नतीजा तो हमें बेहतर नजर नहीं आ रहा, कोई बेहतर नतीजा हमारे सामने नहीं है। ये हर कोई, हर हुकूमत, हर एक यही कहता है कि कुछ तरीका ऐसा अपनाए कि इसको अच्छे तरीके से इस कानून के इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अभी तक क्या हमारे पास तो कोई ऐसा सबूत नहीं है कि इसका जायज इस्तेमाल किया गया, इसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये 295C से पहले जरा इस मुल्क 295B और सी से पहले 295B और सी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमारे मुल्क और हमारे शहर के हालत का जायजा लें। ये कैसा मुल्क था, हम कैसे रहते थे 295B और सी से पहले, इसका तजिया करें, आपको पता चलेगा ये ब्लैक लॉ सिया एरा के बाद आया है, एंड दैट इज कॉज्ड डिस्ट्रक्शन और एक्सप्लोजन इन दिस कंट्री। इन दिनों में एक और ख्याल मेरे ज़हन में आता रहा है, पता नहीं आप उसे कैसे कबूल करेंगे। पुराने मजीद की बेहुर्मती की बातें की जाती, और मैं समझता हूँ, सोचता हूँ कि वो जिन्होंने कुरान मजीद को अपने अंदर उतारा, आपसे कुरान दूसरे लफ्जों में, जब उनको बम बांध के उड़ा दिया जाता है, या जहां जहां ऑपरेशंस होते हैं, जहां भी कोई अटैक होता है, वहां क्या कुरान मजीद की कम बेहुर्मती होती है? कोई नहीं उठता, कोई नहीं उठता। फुटेज हम देखते हैं, नजर आता है सब कुछ, हर चीज आम बेहुर्मती करते हैं। जैसे ये वाकया था, दूसरे दिन एक और किसी गरीब खातून का घर जलाया मुसलमान, वहां पर उतार दे कुरान, जला दिया किसी ने नहीं। लेकिन सिर्फ अकलियत, जो लफ्ज पसंद नहीं हमें, अकलियत नहीं, हम शहरी हैं, पूरे पाकिस्तानी हैं, हिंदू से कोई भी हो, हम पाकिस्तानी हैं, अकलियत क्यों, मजहब के हवाले से नहीं, हम पूरे शहरी हैं, इसलिए सब हम पर नहीं अटैक, या तो बराबर का हो फिर बात है। दूसरी तरफ
एक तरफ कर दे, इंजील गीता एक तरफ कर दे। हर रोज शायद हमें ये मुश्किलात पेश आती, हर रोज हमारे लोगों को कहते हैं आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते हैं, तुम्हारा कलाम बदल गया है, तुम्हारी इंजील ऐसी है। हम फिर भी इत्मीनान, चलो ठीक है, कह लो कर लो, पता नहीं क्या क्या होता है, पता नहीं क्या क्या। तो हम इसलिए फख्र करते हैं पाकिस्तानी है। और मैं ये कहता हूं इससे पहले के पाकिस्तान था हम थे, मसीह थे, इससे पहले के पाकिस्तान वजूद में आया। हमारे इंस्टीट्यूट को देख ले, लेकिन अगर तारीख पर इससे पहले थे हम, लेकिन आज हम पर अगर जिंदगी का दायरा तंग किया जाए तो फिर हम इस तरह पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं और आपका सहारा ढूंढते हैं, जिस तरह आपने हमेशा मदद की है कि आप इस बात को उठाएं। और हम फख्र करते हैं कि वो सारे के सारे लोग जो खुद भी फख्र करते हैं कि हमारे तालीमी इदारों से या रफाई कामों के इदारों से बहस पा चुके, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़ा होते हैं और कहते हैं कि वैसे नहीं कि हम किसी के मजहब की तोहीन करें, किसी की किताब का इस तरह से बेहुनती का सोचें। तो हम तो फख्र है कि हम इकट्ठे बैठ के चलते फिरते हैं, काम करते हैं, खिदमत के काम सर अंजाम देते हैं, खिदमत के बिना तासुब रंग नसल मसल। ये हमारा काम। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये अच्छा विवेक जी, शायद मिसालें तो बहुत सारी दे सकते हैं आप। अभी ये घर चलाए गए गिरजाघर, वहाँ भी पाक बाइबल थी या नहीं, उसका क्या ना उसकी गई और थी गीत के नहीं, और जिंदा कलाम जो हमारे जीवन में भी है। थैंक यू। ओके, फिनिशिंग में